Hi everyone, myself Arpit Patel from Takshuri Enters. My office is situated at South Bhopal Celebration City Center. Today I am here to just give you an insight on real estate. बहुत सारे लोगों की ये confusions होते हैं कि real estate में invest करना चाहिए, is it the right time to invest in real estate or not? बहुत सारे लोग यहाँ पे investments जो करते हैं real estate में, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने रियल एस्टेट में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है. बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि कोई लोग प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाए. तो हाउ डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? जनरली जो ट्रेंड होता है रियल एस्टेट में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में खास करके अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट. जब कोई भी स्कीम प्री लॉन्च में होती है, बिल्डर्स जनरली दे गिव यू अ हेल्दी मार्जिन जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. You can take help of consultants, real estate consultants होते हैं जो particular builders के channel partners हैं, उन लोगों की आप help ले सकते हैं. They guide you in the best possible way, because they know the real estate industry in and out, they know the builders in and out. जब pre-launch में आप invest करते हैं, then you need to take your exit. जब कोई भी scheme 2 years या 1.5 to 2 years का play आपको मिलता है, where you can earn around, safely you can earn around 12-15% का आपको margin generally मिलता है, right? If you hold a property, that is residential property for a long time, जब आपने midway में कोई property आप invest करते हैं और उसको आप दस्तावेज करा के या registry करवा के आप hold करते हैं लंबे time तक, तो आपका profit margin गिर जाता है. Why? Because it is related to time. कभी भी आपको ROI गिनना है, that is return on investment गिनना है, तो it depends largely on the time factor. Time जितना लंबा आप investment को hold करके रखते हैं real estate में, उतना आपका margin कम होता जाता है. I am just purely talking about the residential apartments, right? I am not talking about lands or I am not talking about any other investments. तो रेसिडेंस में दिस इज जस्ट मुझे लगा कि आपको एक वीडियो शेयर करना चाहिए इस चीज के बारे में कि प्री लॉन्च में कब कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और पोजेशन के वक्त आपको कैसे एग्जिट लेनी चाहिए. देर आर मेनी कंसल्टेंट्स, इवन आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट, यू कैन फील फ्री टू कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. And we generally don't charge any consultation. 2 years, या 1.5 to 2 years का प्ले आपको मिलता है, where you can earn around, safely you can earn around 12-15% का आपको margin generally मिलता है, right? If you hold a property, that is residential property for a long time, जब आपने midway में कोई property आप invest करते हैं और उसको आप दस्तावेज करा के या रजिस्ट्री करवा के आप होल्ड करते हैं लंबे टाइम तक, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है. व्हाई? बिकॉज़ इट इज रिलेटेड टू टाइम. कभी भी आपको आरओआई गिननी है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनना है, तो इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द टाइम फैक्टर. टाइम जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं रियल एस्टेट में, उतना आपका मार्जिन कम होता जाता है. आई एम जस्ट प्योरली टॉकिंग अबाउट द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, right? I'm not talking about lands or I'm not talking about any other investments. So residence में this is just मुझे लगा कि आपको एक वीडियो शेयर करना चाहिए इस चीज के बारे में कि प्री लॉन्च में कब कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और पोजेशन के वक्त आपको कैसे एग्जिट लेनी चाहिए. देर आर मेनी कंसल्टेंट्स, इवन आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट, यू कैन फील फ्री टू कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. एंड वी जनरली डोंट चार्ज एनी कंसल्टेशन.